तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वॉइस, जिसका हिंदी माना वाच्य होता है और इसका आवाज़ भी हिंदी अर्थ होता है, लेकिन हिंदी ग्रामर में इसे वाच्य कहते हैं। तो वाच्य की परिभाषा क्या है? क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म या भाव में से किसी की प्रधानता है, यानी कि महत्वपूर्ण। प्रधानता का मतलब महत्वपूर्णता है। दूसरे शब्दों में, क्रिया के जिस रूपांतर से यह ज्ञात हो कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का प्रधान, महत्व, विषय, कर्ता, क्रम अथवा भाव है, उसे वॉइस वाच्य कहते हैं। तो ये था वॉइस का परिभाषा। इम्पोर्टेंट ऑफ वॉइस के बारे में जानते हैं। द यूज ऑफ वॉइस डिपेंड्स ऑन द वे ऑफ स्पीकिंग। समटाइम्स वी लाइक टू डेमोंस्ट्रेट दैट सब्जेक्ट इज इम्पोर्टेंट और समटाइम्स ऑब्जेक्ट इज इम्पोर्टेंट। वाच्य का उपयोग बोलने के तरीके पर निर्भर करता है। कभी कभी हम यह प्रदर्शित करना पसंद करते हैं कि विषय महत्वपूर्ण है, या कभी कभी वस्तु महत्वपूर्ण है। तो ये था वाच्य के महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट ऑफ वॉइस। फॉर एग्जाम्पल, रीमा हेल्प्स रोहिणी। यहाँ रीमा रोहिणी को मदद करती है। उपरोक्त वाक्य में विषय वस्तु पर निर्भर करता है और यहाँ विषय महत्वपूर्ण है। और विषय मतलब सब्जेक्ट यहाँ कौन है? तो सब्जेक्ट यहाँ रीमा है। इसी का आप दूसरा सेंटेंस लेते हैं, रोहिणी इज हेल्प्ड बाय रीमा। रोहिणी रीमा से मदद ली है। यहाँ रीमा ऑब्जेक्ट है। इन दिस सेंटेंस ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन द सब्जेक्ट। हेयर सब्जेक्ट इज इम्पोर्टेंट। इस वाक्य में वस्तु विषय पर निर्भर करती है, यहाँ वस्तु महत्वपूर्ण है। तो यहाँ वस्तु मीन्स ऑब्जेक्ट, यहाँ रीमा है। फर्स्ट वाला सेंटेंस में रीमा सब्जेक्ट है जो महत्वपूर्ण है, यहाँ सेकेंड वाला सेंटेंस में रीमा ऑब्जेक्ट है और यहाँ ऑब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अब आइए आगे समझते हैं। अब यहाँ जानते हैं टाइप्स ऑफ वॉइस के बारे में। वॉइस दो प्रकार का होता है, एक्टिव वॉइस कर्तावाच्य, पैसिव वॉइस कर्मवाच्य। ये दोनों के बारे में आइए जानते हैं। अब आगे वीडियो में यही दोनों वॉइस के बारे में मैं डिटेल्स में आप सबको बताने वाला हूँ, इसके यूज के बारे में, इसका एग्जांपल। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखते रहें और समझते रहें। तो आइए समझते हैं सबसे पहला वाला, एक्टिव वॉइस जिसे कर्तावाच्य कहते हैं। द सेंटेंस वेयर सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर एनी सेंटेंस इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। वैसा वाक्य जिस स्थान पर सब्जेक्ट यानी के कर्ता महत्वपूर्ण है, उसे कर्तावाच्य कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई रोट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखा था। ही कॉल्स मी टूडे, वो मुझे आज बुलाया। सी इज कुकिंग फूड, वो खाना पका रही है। हेयर इन एबव एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल में जैसे आई, मैं, ही, वह, सी, वह, ये सब मेन सब्जेक्ट है। अब यहाँ दूसरा वाला वॉइस है, पैसिव वॉइस जिसे हिंदी में कर्मवाच्य कहते हैं। द सेंटेंस वेयर ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर एनी सेंटेंस इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। वैसा वाक्य जिस स्थान पर ऑब्जेक्ट यानी कि क्रम महत्वपूर्ण है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। आइए इसका भी एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे द हाउस वॉज बिल्ट बाई रमेश, घर रमेश द्वारा बनाया गया था। लेटर्स वेयर राइटेड बाय द बॉयज, पत्र लड़कों के द्वारा लिखा गया था। द टाइगर वॉज किल्ड बाय हंटर, बाघ शिकारी द्वारा मारा गया था। चेयर्स हैव बीन रिपेयर्ड, कुर्सी की मरम्मत की गई थी। यहाँ इस सेंटेंस में कौन सा कार्य हुआ है उस पर जोर है, इसलिए ऑब्जेक्ट्स हाउस, लेटर्स, टाइगर, चेयर के अनुसार ही किया गया है। यानी यही कर्म थे जो अब करता है, यानी कि यही ऑब्जेक्ट थे, अभी सब्जेक्ट है। तो आइए आप जानते हैं इसे हम यूज कैसे करेंगे, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। तो आपको मालूम है कि वॉइस दो प्रकार का है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट खुद काम करता है, यानी कि सेंटेंस में
सब्जेक्ट एक्टिव रहता है उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। जैसे अली राइट्स ए लेटर, यहाँ अली खुद पत्र लिख रहा है तो यहाँ अली सब्जेक्ट है। अब इसी को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ए लेटर इज रिटन बाय अली, एक पत्र अली के द्वारा लिखी जा रहा है। अब यहाँ हिंदी या इंग्लिश में देखें तो दोनों में बात एक ही है, क्योंकि पत्र तो अली ही लिख रहा है, लेकिन यहाँ बोलने का तरीका अलग है। अली पत्र लिख रहा है, ये एक्टिव वॉइस में है। सेकंड वाला में पैसिव वॉइस में पत्र अली के द्वारा लिखा जा रहा है। पहले वाला सेंटेंस में सब्जेक्ट एक्टिव है यानी अली एक्टिव है। दूसरे वाला सेंटेंस में वर्ब एक्टिव है यानी उसके द्वारा किए जाने वाला काम एक्टिव है। यही फर्क होता है एक्टिव और पैसिव वॉइस में। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ दोनों सेंटेंस को ध्यान से देखते हैं, एक्टिव से पैसिव कैसे बनता है, ये एक्टिव से पैसिव कैसे बना है, सेंटेंस में क्या क्या चेंज करने से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनेगा। तो यहाँ सबसे पहले आपको समझने वाली बात यह है कि इस बात को याद रखें, एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए लास्ट वाला जो ऑब्जेक्ट है उसे पहले लाना है और पहले वाला सब्जेक्ट को लास्ट में लाना है। जैसे एक्टिव वॉइस में अली पहले था, पैसिव वॉइस में बाद में है, वही ए लेटर एक्टिव वॉइस में बाद में है, पैसिव वॉइस में ए लेटर पहले आ गया है। बस इस बात को याद रखना, ये बहुत ही आसान है, ये सबको समझ में आता है। यहाँ चेंजेज जो होगा वो बीच में होगा। कहने का मतलब ये है राइट से इज राइटिन बन जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए वर्ब जो वन है, वर्ब वन का रूप है वो वर्ब थ्री में बदल जाएगा। यहाँ जैसे राइट्स वर्ब है, वर्ब वन है, इसका वर्ब थर्ड फॉर्म क्या होगा, ये है रिटन। इस तरह से किसी भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए बाई का लगाना बहुत ही जरूरी है, इसे सही से याद रखें। अब कुछ सेंटेंस हैं यहाँ जिसे एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए टेंस के हिसाब से कहाँ चेंज होगा, वो अभी आप इसमें देखिए, आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा और आपको सही से समझ में आ जाएगा।